शिव कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष मंडली कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन बरेली। ये जो आज धरना प्रदर्शन चल रहा है, किन मांगों को लेकर? ये अधिकारियों के द्वारा जो ठेकेदारों का शोषण, समय पर ठेकेदारों का कार्य न करना, उसमें बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जो एक भ्रष्टाचार से संबंधित हैं, इनके द्वारा नहीं किए जा रहे हैं। मजबूरन ठेकेदार होकर धरने पे देने के लिए बाध्य हुए। धरना डी के तिवारी अधीक्षण अभियंता महोदय के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। मुख्य मांगे ठेकेदारों की जो हमने लेटर में प्रस्तुत कर दिए थे, 10-12 मांगे हैं। पुराना GST जो इनका चल रहा है वो नहीं इन्होंने दिया है। वेरिएशन नहीं करते, एक्सटेंशन नहीं करते, टेंडर समय पर नहीं करते हैं, बिल ठेकेदारों के समय से नहीं कराए जाते हैं, रॉयल्टी की मांग जबरदस्ती कर रहे हैं, नाजायज कर रहे हैं, विदाउट नोटिस कर रहे हैं। आपको नोटिस भी नहीं दिया है, ना ही हमारे किसी एग्रीमेंट में लगा हुआ है, उसके बाद जो ठेकेदारों से जबरदस्ती काटी जा रही है, ये अनुचित है। हाँ, रॉयल्टी के बारे में, रॉयल्टी जो है जबरदस्ती काटी जा रही है, और इसके लिए ना पहले किसी टेंडर में नोटिस दिया गया, ना बताया गया, जबकि ये कानून है कि नोटिस पहले दिया जाए, और विदाउट नोटिस जबरदस्ती काट रहे हैं। जो वह रॉयल्टी दे भी रहे हैं, एक पक्षी अगर उसकी नहीं है तो पूरा पैसा काट रहे हैं, ये जबरदस्ती कर रहे हैं। समय से कोई भी काम, कोई भी पेमेंट, सारे काम करने के बाद और पेमेंट देने को तैयार नहीं है। हाँ, आज हम अपने ठेकेदार भाई सब लोग अपनी जो डिमांड है हमारी, उसको लेकर धरने पर बैठे हैं, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो अधिकारियों द्वारा मतलब अनदेखी कर दी जाती हैं, जैसे कि टेंडरों में कोई कंडीशन नहीं लगाई, उसके बावजूद ये रॉयल्टी और ISTP कुछ होता होगा उसके नाम से पैसे काट रहे हैं, रोक रहे हैं बिलों में से और वापस नहीं कर रहे हैं, जबकि टेंडर में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं थी। दूसरी चीज़, भुगतानों में देरी, कोई सुनवाई नहीं, किसी से कहते रहो कोई नहीं मानता, अपनी मर्जी से पेमेंट करते हैं, 6-6 महीने 8-8 महीने लगाते हैं। बस यही सब डिमांड है। 10-12 हाँ, चीफ इंजीनियर साहब को ज्ञापन देंगे, दिया भी है कुछ पहले से डिमांड, हमने करीब 15-20 दिन पहले उन्हें इन्फॉर्म भी किया था कि भाई हम ऐसे ऐसे हमारी दिक्कतें हैं, बल्कि हमने 2 महीने पहले भी उनको लिख के दिया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब मिलेंगे, अगर अधिकारी लोग बुलाएंगे, बात करेंगे, उसका कोई सोल्यूशन निकलेगा अच्छी बात है, नहीं तो ये अनिश्चितकालीन हमारा धरना चलता रहेगा।